अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग गाइस। आज हम बनाने वाले हैं फ़िश करी, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा कोकोनट एक, चार टमाटोज, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, करी लीव्स, एक ऑनियन, 15 से 16 गार्लिक, इमली, ज़ीरा, राई, मेथी दाने और तेल। और मेरे पास है फ़िश। यहाँ फ़िश मैंने धोकर नमक लगा के रख दिया है और लहसुन मैंने 15 से 16 ही लिया है, ज़्यादा मत लीजिएगा। यहाँ पर मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। कोकोनट, टमाटो, ऑनियन, इमली और जो स्पाइसेस है, हल्दी, धनिया और मिर्ची, और साथ ही साथ पानी और लहसुन भी। ये सारे मसाले ऐड करके मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए मेरा पेस्ट रेडी हो चुका है, अब हम इसे पका लेंगे। मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है, 2 चम्मच ऑयल मैं यूज़ करूँगी, आप आपके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद मैं यहाँ मेथी दाना डाल दूँगी इसमें, राय और फिर ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें करी लीव्स डाल दूंगी और ढक्कन ढक दूंगी ताकि जो ऑयल है वो आजू बाजू में ना उड़े। अब इसमें मैं सारे जो मसाले हैं, मैं जो मैंने पीस के रखा था उसे डाल दूंगी। उसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी, मेरा मसाला जो है बॉईल भून रहा है। अच्छी तरह से भूनना है हमें मसाले को, कम से कम 5 से 10 मिनट। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी भून सकते हैं। मैंने जिसमें मसाला पीसा था उसी में पानी डाल करके अच्छी तरह से हिला के उसमें डाल दिया है। यहाँ पर मेरा मसाला जो है भून रहा है, पक रहा है अच्छे से। बॉईल आने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। कि देखिए मेरा मसाला जो है अच्छे से पक गया है, मैंने इसमें पानी ऐड किया है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे कितना पतला चाहिए उस हिसाब से मैंने पानी डाला है। आपको जितना भी पतला चाहिए होगा आप उतना पानी डाल सकते हो। पानी डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से बॉईल करना है। बॉईल हो जाएगा ये, उसके बाद हम इसमें हमारी जो फिश है वो डाल देंगे। धीरे धीरे एक एक करके डालना है, फिश बहुत सॉफ्ट होती है, जल्दी टूट जाएगी। इसे हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं होता है, फिश जल्दी पक जाती है। फिश डालने के बाद पहले हमें फ्लेम फास्ट रख के इसे पकाना है। जैसे ही बॉईल हो जाएगा फ्लेम को लो कर दीजिएगा और ढक्कन ढक दीजिए। ढक्कन ढकने के बाद जैसे ही बॉईल होता है फिश हमारी पक जाती है। देखिए अब मैं कड़छी डाल के देखूँगी, ये देखिए हमारी फिश जो है वो पक चुकी है। अब मैं हमारा जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगी। यहाँ हमारा फिश करी रेडी है। फिश जल्दी पक जाती है, उसे ज़्यादा देर नहीं लगती। ये देखिए हम मेरी फिश करी जो है वो रेडी है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।